बीजेपी से गठबंधन के बाद पहली बार पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यालय में सुदेश महतो ने कहा कि जनहित और देश हित के लिए गठबंधन से जुड़ा हूं और आगे भी इसके साथ जुड़ा रहूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर गठबंधन जीत दर्ज करेगी। थोड़ा तो पीछे हो जाओ ना। भाजपा पार्टी के संयुक्त प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आता दिया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंच में आदरणीय प्रदेश के महामंत्री हमारे पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और आईसीयू के जिला के अध्यक्ष और एनडीए के सभी प्रमुखों का सम्मेलन स्थापित करके हम बैठे। ऐसे तो आजसू हमारा बहुत पहले से ही हमारा चुनावी गठबंधन है, वर्षों वर्षों से हम लोग मिल करके काम किए हैं और हम सभी जगह मिल करके काम करने का काम किए और आगे भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहतर तालमेल करके एनडीए की सरकार दोबारा से केंद्र में बने इसके लिए मिल करके और मजबूती के साथ लड़ेंगे, काम करेंगे। बस इतना ही बोलना था। धन्यवाद। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बने यह हम सभी कार्यकर्ता चाहते हैं और ईश्वर हमारा एक बड़ा जो कदम है हम लोगों ने आगे बढ़ा चुका। अपने प्रदेश के अंदर लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 के 14 सीट पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। ऐसे जी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 13 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, मैदान में उतरेगी और एक सीट हम आजसू के लिए यानी गठबंधन के लिए हमने रखा। दोनों मिलकर के एनडीए की बहुमत की सरकार केंद्र में बने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और जिस तरह हमने 4.5 वर्षों में एनडीए की सरकार में काम किया है उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा आने वाले दिनों में हम काम करें, हमारा यह भारत आगे बढ़े इस विश्वास के साथ।